रहे मंदिर, चंदा मामा नहीं जा रहे, मंदिर जा रहे हैं अष्टमी पे। कौन से मंदिर जा रहे हैं? गुफा वाले मंदिर, गुफा वाले मंदिर बोलते हैं, गुफा वाले मंदिर कह रहे, वैष्णो मंदिर जा रहे हैं गुफा वाले मंदिर में। ये जो गुफा वाला मंदिर है ये प्रीत विहार की साइड है और यहाँ पे काफ़ी व्हीकल वगैरह हो जाते हैं, शाम के टाइम में काफ़ी भीड़ हो जाती है यहाँ पे। और ये देखिए अब हम यहाँ पे पहुँच चुके हैं। अथर रास्ते में ही सो गया था ऑटो में ही बैठा बैठा। हम लोग यहाँ गाड़ी नहीं लेके आए बिल्कुल भी, क्योंकि यहाँ पार्किंग की फैसिलिटी थोड़ी कम है, तो हमने सोचा कि ऑटो से ही चलते हैं तो गाड़ी पार्क करने की भी टेंशन नहीं रहेगी। तो ये देखिए अब हम अथर को इसके पापा ने ले रखा है और हम ये पहुँच चुके हैं मंदिर के अंदर। ये आप देख रहे होंगे मंदिर में यहाँ पे काफ़ी बड़ी बड़ी मूर्तियाँ लगी हुई हैं और बहुत ही सुंदर मंदिर बनाया हुआ है ये वाला, और काफ़ी अलग सा भी है। अब ये देखिए ये है जो इसका मेन मंदिर है यहाँ का, और यहाँ पे जो है भागवत कथा वगैरह होती रहती है, क्योंकि ये पोर्शन है सेटिंग का काफ़ी बड़ा अरेंजमेंट हो सकता है यहाँ पे। और काफ़ी बड़ा मंदिर है और बहुत ही सुंदर मूर्तियाँ सजाई हुई थी, भगवान जी की ड्रेसेस वगैरह भी बहुत ही सुंदर पहनाई हुई थी। और अष्टमी के दिन वैसे भी मंदिर काफ़ी अच्छे डेकोरेट होते हैं। तो उसके बाद फिर अब हम जाएंगे गुफा वाले मंदिर के अंदर, और उसकी भी वीडियो मैंने सारी शेयर करी है आपको। आज काफ़ी लोग आए हुए हैं यहाँ पे अष्टमी की वजह से। सब लोग शाम को मंदिरों के दर्शन करने के लिए ज़रूर जाते हैं, और यहाँ पे भी गुफा वाले मंदिर में भी काफ़ी लोग आए हुए थे। और ये मंदिर में काफ़ी सारे जो हैं देखने के पॉइंट्स बनाए हुए हैं। ये देखिए ऊपर गणपति जी का है, वहाँ हम गए नहीं थे तो, क्योंकि थोड़ा सा हाइट पे था और अथर्व को लेके जाना पड़ता वहाँ पर। तो ये देखिए नीचे की साइड पर भी काफ़ी सारे पॉइंट्स बना रखे हैं देखने के लिए। और अब ये देखिए अब हम जा रहे हैं नीचे की साइड गुफा वाले मंदिर में, और यहाँ पे एक गुफा में तो पानी भी होता है। और ये देखिए पहले एक गुफा है जिसके अंदर माता रानी का दरबार बनाया हुआ है। अब पहले हम उस गुफा में गए हैं, देखिए बाहर टोटरोइज वगैरह, क्रोकोडाइल वगैरह ये सारे बनाए हुए हैं, तो ये बहुत अच्छे लग रहे थे मंदिर में देखने में सब। उसके बाद अब हम जाएंगे दूसरे वाली गुफा में जो मैं माता रानी की मेन गुफा है यहाँ पे, और उसकी एंट्री भी काफ़ी अच्छी है। ये है यहाँ की मेन गुफा जिसमें हम जा रहे हैं, इसकी जो एंट्री के बाहर है ये देखिए टाइगर बना हुआ है, बहुत सुंदर सी एंट्री है इसकी, और शेर बना हुआ है, उसके मुंह से अंदर जाना होता है और इसके अंदर पानी भी होता है। तो हमने ये देखिए हमने पानी जब देखा कि पानी है, कई बार पानी नहीं भी होता बट इस टाइम पे था, तो हमने अपने जो थोड़े से लेगिंग वगैरह ऊपर कर ली थी ताकि गीली ना हो। अथर्व को भी बहुत अच्छा लग रहा था, ये देखिए पानी में वो जाके बहुत ही खुश हो रहा था कि पानी मिल गया है गुफा में। और ये काफ़ी लंबी गुफा है, जो पहले वाली गुफा दिखाई थी वो काफ़ी छोटी थी और ये वाली काफ़ी लंबी है, और इसके अंदर पानी भी काफ़ी अच्छा था, पानी का लेवल भी। और उसके बाद हमने जाके माता रानी के दर्शन किए। आगे की जो वीडियो है वहाँ पे अलाउड नहीं थी तो मैंने नहीं बनाई थी वहाँ पे वीडियो, और जहाँ तक पॉसिबल हुआ वहाँ तक मैंने आपको शेयर करी है वीडियो सारी इस वाले मंदिर की।
तो ये बहुत ही अच्छा लगा और बहुत ही मज़ा भी आया यहाँ पे सब दर्शन वगैरह करके। इसी मंदिर में साईं बाबा का मंदिर भी है ये देखिए। और उसके बाद अब हम आ चुके हैं बाहर मंदिर के, यहाँ पे दर्शन हो चुके हैं गुफा वाले मंदिर के। और उसके बाद अब हम जाएंगे जागृति एनक्लेव कात्यानी के, कात्यानी माता के मंदिर, और वो भी काफ़ी फेमस मंदिर है और वो है करकडुमा से थोड़ी सी आगे जाके। कात्यानी माता के मंदिर तो हम हमेशा ही जाते हैं, हर अष्टमी पर ज़रूर जाते हैं पूरी फैमिली, और इस बार भी हम सारे ही आए हैं और भैया और भी आने वाले होंगे जो ऊपर हमारी जॉइंट फैमिली है, तो ऊपर वाले भैया और भी सारे आए हैं यहाँ पे। तो ये देखिए ये वाला जो कात्यानी माता का मंदिर है वो बहुत ही सुंदर और सबसे सुंदर मंदिर माना जाता है यहाँ का। और यहाँ पे भगवान जी की जो ड्रेसेस वगैरह होती हैं वो इतनी सुंदर होती हैं कि ऐसा मन करता है कि देखते ही रहो उनको। और आपको मैंने सारी जो है जो साइड की जो सारी मूर्तियां हैं वो मैंने सारी शेयर करी है कि कितनी सुंदर सुंदर ड्रेसेस पहनाई हुई है। और ये यहाँ का मेन मंदिर माना जाता है और बहुत ही सुंदर मंदिर है। अगर आप कहीं आसपास रहते हैं तो आप ज़रूर जाइएगा इस मंदिर में, इस मंदिर को देखने के लिए, और ज़रूर दर्शन करके आइएगा कात्यानी माता का मंदिर। और यहाँ पर हमेशा जो अष्टमी पे जब भी हम आते हैं यहाँ पे काफ़ी अच्छा कीर्तन होता है, बहुत अच्छे सिंगर आते हैं और वो भजन वगैरह कीर्तन वगैरह करते हैं। रात को काफ़ी लेट तक होता है यहाँ पे और काफ़ी अच्छी फैसिलिटी और काफ़ी अच्छा अरेंजमेंट किया होता है यहाँ पे सबके लिए। ये है माता रानी का दरबार और ये देखिए हम लोग अंदर आ गए हैं, यहाँ पर कीर्तन चल रहा है माता रानी का। और वही मैंने आपको बताया कि सिंगर वगैरह सब आए हुए हैं, देखिए कितनी सुंदर सुंदर माता रानी की मूर्तियों को इतना सुंदर सजाया हुआ है कि बस मैं बता नहीं सकती आपको। माता के दर्शन करने के बाद अब हम आ गए हैं, रात के 9:00 या 10:00 हो रहे हैं, तो हमें अब भूख लग गई थी तो हमने सोचा फ्लेवर्स ऑफ साउथ वाला चलते हैं डोसा खाने। मैंने यहाँ पे आपको पहले भी काफ़ी सारी वीडियोस में बताया है कि हमें फ्लेवर्स ऑफ साउथ वाला का, ये जो मेट्रो स्टेशन के पास है, लक्ष्मी नगर मेट्रो स्टेशन के पास है ये, और काफ़ी पसंद है यहाँ का। और इसका जो सब कुछ है चाइनीज़ वगैरह वो सब कुछ बहुत अच्छा है, बट हमने यहाँ चाइनीज़ वगैरह कुछ नहीं लिया, हमने डोसा सांभर इडली वगैरह वड़ा वगैरह ही ट्राई किया और बहुत ही अमेजिंग टेस्ट था और बहुत मज़ा आया। होपफुली आपको ये मेरी आउटिंग का, जो हमारा अष्टमी आउटिंग का व्लॉग है, काफ़ी अच्छा लगा होगा। अगर आपको ये मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच गाइज़, एन्जॉय।